ये देखिए चिकन विंग्स। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम लेमन पेपर चिकन विंग्स एयर फ्राइड में बनाने लगे हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, हमें सॉल्ट लेना है, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल, ऑनियन पाउडर, लेमन जूस। चिकन विंग्स लिए हैं, चिकन विंग लिया है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह का है इसको कश लगाने वाला तो आप इसे लगा सकते हैं, इससे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फोर्क से कर सकते हैं या नाइफ लेके नाइफ से भी आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं ताकि इसके अंदर ये अच्छी तरह इसका मसाला चला जाए। मैं इसको इससे दो तीन दफा पंच कर दूंगी ऐसे। ये देखिए ऐसे सुराख से हो गए इसमें। ये आम मिल जाता है बाजार में, ठीक है। सब चिकन विंग्स को आप ऐसे करके रख लें। जब हम विंग्स की मैरिनेशन करने लगे हैं, मैंने 2 टेबलस्पून लेमन जूस लिया फ्रेश, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑनियन पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें आप। सब विंग्स हैं वो इसमें डाल दें आप ऐसे हाथ से, अच्छी तरह मिक्स करें। अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अच्छा जी, ये विंग्स जो हमने मैरिनेट करके रखे थे, अब मैंने एयर फ्रायर जो है वो 190 के ऊपर प्री हीट कर लिया है। इसमें मैं हल्का सा स्प्रे कर लूँ। ये सारे विंग्स जो हैं आप इस तरह डाल दें, प्री हीट ज़रूर कर लें। इसको 190 के ऊपर रखूँगी और हम उस वक्त तक इसको एयर फ्रायर में कुक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और इसकी हम साइड भी चेंज करेंगे साथ। ये जी हम लोगों के ज़बरदस्त किस्म के चिकन विंग तैयार हो गए हैं। ये देखें आप इस तरह निकाल लें इनको, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि विंग्स जो से हैं वो ज़्यादा देर नहीं लेते पकने में। ये देखें चिकन विंग्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।